नंबर सेवन देखा जाए, क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार डिस्क गर्म किया जाता है। जाहिर सी बात है, वृत्ताकार एक डिस्क है और उसको गर्म करोगे तो उसका प्रसार होगा, वो फैलेगा, तो प्रसार के कारण इसकी त्रिज्या 0.05 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब त्रिज्या 3.2 है तो इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है यह आपको बताना है। चलिए, तो यहां मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या आर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? आर है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या आर है। अच्छा, तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर समय के रेस्पेक्ट में कितना दिया है? 0.05 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है कब? जब इसकी त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है। अब सोचोगे कि सर इसका क्या यूज है, ये बस बता रहा है यार कि शुरू में एक डिस्क जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, उसको गर्म किया जाता है तो इस दर से बढ़ रहा है, तो जब त्रिज्या इतनी रहेगी तो इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी ये निकालनी है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया था। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ना। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी, तो डी ए बटा डी टी बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 2πr इंटू में डी आर बाई डी टी। डिफ्रेंशिएशन तो आपको पता ही है, 2πr का वैल्यू 0.05 सेंटीमीटर, सॉरी r का वैल्यू पहले लिखना है ना, 3.2 सेंटीमीटर। अच्छा, और डी आर बाई डी टी का वैल्यू यार 0.05 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। गुना कर देते हैं, इसमें इसे करेंगे तो 0.1 और इसमें गुना जाएगा तो 0.32 πcm² प्रति सेकेंड की दर से इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।